हेलो मेरी भाई बहना, कैसे है आप सब। चलिए आज हम बनाएंगे बंगाली फिश करी। मैं खुद ही बंगाल से हूँ। हमने लिया तेलापिया फिश 500 ग्राम, 250 ग्राम हमने लिया कोचोई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिश फ्राई करेंगे। फिश में डाल देंगे नमक, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, बड़ा 1 चम्मच तेल। हाथों से हम अच्छे से मिलाएंगे, एक भी जगह हमें नहीं छोड़ना है। हाथों से हमने अच्छे से मिला लिया। अब हम फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, तेल में डाल देंगे एक चीज करके। हम एक साथ नहीं फ्राई करेंगे, दोबारा करके फ्राई करेंगे। फिश फ्राई हो रहे, अब हम कोचोई को उबाल लेंगे। 1 गिलास डाल देंगे पानी। आप कढ़ाई में भी उबाल सकते हैं। ढक्कन बंद करके 1 सीटी आने देंगे। 3 मिनट हो चुका है, अब हम फिश को पलट देंगे। अलग पलट करके हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक भी फिश नहीं चिपकेगा। फिश फ्राई हो चुका है, अब हम फिश निकाल लेंगे और बाकी को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अलट पलट करके इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तेल में भूंज लेंगे प्याज, हरी मिर्च। प्याज हरी मिर्च को हमें ज़्यादा नहीं भूंजना है, बस कच्चापन जाने देना है। अब डाल देंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर। आप पीस के भी ले सकते हैं या पीस के भी ले सकते हैं। टमाटर डाल सके आप डाल देंगे नमक। टमाटर गलने तक पकाएंगे। टमाटर गल चुका है, अब हम इसी तेल में डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और जो मसाला हमने मछली में लगाया उसी को भी हम इसी में ही डाल देंगे। एक साथ भूंज लेंगे और पाउडर मसाला में हमने लेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच। इसी मसाले के साथ हम पाउडर मसाला भी भूंज लेंगे। चलिए कोचोई देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा से उबाल चुका है। अब हम इसी तरह साफ कर लेंगे। कोचोई हमने साफ कर लिया। अब चलिए देख लेते हैं मसाला भुंजा है कि नहीं। इसी मसाला में हम 4 से 5 मिनट कोचोई भी भूंज लेंगे। आप इस तरह से सब्जी कभी खाया है और नहीं खाया, एक बार ज़रूर बनाना। आप कब बना रहे मुझे कमेंट्स में बताना। इसी तरह से हम अच्छे से भूंज लेंगे और चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे चिपकेगा। आप वीडियो पूरा देखिए, काट काट के मत देखिए, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप किस टाइप की रेसिपी देखना पसंद करते हैं मुझे कमेंट्स में बताना, मैं बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगी। सब्जी भून चुका है, अब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 कप पानी। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ध्यान रहे, क्योंकि सब्जी पहले से ही उबला हुआ है। 1 उबाल आने देंगे। सब्जी में उबाल आ चुका है, अब हम एक एक करके सारे फिश को डाल देंगे। एक बार चला लेंगे और आप कैसे बना दें मेरे साथ शेयर ज़रूर करना।
5-7 मिनट हम ढक के पकाएंगे। 5-7 मिनट के बाद चलिए ढक्कन निकाल के देखते हैं। डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। डालने के बाद हम और 2 मिनट पकाएंगे। नमक को चेक करके डालिए आप, चलाएंगे एक बार। आपको मैंने कुछ सिखा पाया तो वीडियो को लाइक करें।